नमस्कार, आप देख रहे हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री, समय खंदराई गांव में मौजूद है। प्रशासन पहुंचा है अपने दल बल के साथ। सरपंच गांव के हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सरपंच साहब? आज आपके गांव में प्रशासन पहुंचा है। मेरे गांव में मैं सरपंच बनाया तो कह दिया जी 50 साल का कब्जा और 2 कब्जे की है और 2 साम्राज्य है। एक अंश किसी को दो नहीं। सर्व मन मिलना अपना घर चले रहे मेरे परिवार के और इन तब ने बैठा सब गया मल्ला पाड़ दिया सारा। एक आदमी कोई नू कह देगा मन अब इसकी ले ली उसकी छोड़ दी तो मैंने कोई छोड़ नहीं। साम्राज्य सारे किस तरह के कब्जे थे पंचायत अब कम ये कब्जे छुड़वाए जा रहे। इसके बाद क्या क्या बनाया जाएगा? यार पार्क बना, पार्क बनाओगे या मैं तो भाजी अब इतना काम करने ला रहे ऊपर घर पी लिया हूँ गए हैं तो अपने आप करती हूँ तरगदा के ठान ला रहे कभी सारा गांव का काम करूँगा। सारे नहरे नहरे अम्बेडकर भवन या ये हो रहा अखबार पटन दिया लाइब्रेरी बनाऊंगा और हमारे वाल्मीकि नगर इनका सारा बड़े पूरी हमारे हरिजना गरीब गलती की थी इन सारे ने पांडूंगा सारे दूंगा ले भाई। सरपंच साहब सबसे मुश्किल काम है काम कब्जे छुड़वाने का। आपने देखा कि अड़ाए बीच आप बड़े प्यार थे कब्जे छुड़वाने लगे। यू मेरा परिवार था। अच्छा, ये हूँ बकाए से काय था जी ना तो मेरा कौन भाई था। अच्छा, हाँ या जो थी या हमारा ठेकेदार नहीं थी बेबे की छोटी पालो साली आ गई ये मगा रोला तो रोला नहीं था। अड़ियों मेरा सारी जिंदगी संग ही रहा है मेरा तो संग ही रहा है मेरा रहा सुबह तो क्लास फेलो भी सारा सोच ये पानी डाल कर बकाई। चलो ठेकेदार साहब के बच्चे हैं तो सारा काम ये संभाल ये संभाल है तो आज सारा सौदा कब्जा है। मैंने शुरू में कह दी थी मारी है झगड़ी मत आज ली आई मन ना आना नहीं था ना मारा घर का फैक्ट्री वाला आवे ना ऊपर दान आवे ना जुआट किया हमारा सारा काम इससे न्यारा कोई काम नहीं करेगा। जो कुछ करना है इसने करना है और इससे वो चार्ज है यू गलत करो ठीक करो गलत करे है तो हम इसने करना करे जे परसों इकट्ठे हुए थे इकट्ठे करके कह दिशते अगर तू खुल जाता है अमित आज के जो कार्रवाई करी जा रही है सारे पहले भाईचारा में इकट्ठे भी हुए थे ये रोड से 2020 में नक्शे बने रोड में दे संपत्ति की जमीन हमने तालाब 160 नंबर बता मकुआ का अपनी पूरी पैमाइश करवा दी। पैमाइश करवाने के बाद जब ये इसमें दे संपत्ति में अपना सारा अपना थोड़ा भाईचारा इकट्ठा कराया था। इकट्ठा होने के बाद ये बोले भाई वो काम मखाब करते हैं तो सारे कंधे हो दो ये बोले सारे हम तैयार हैं इस काम में कर दो बहुत बढ़िया कौन का काम हमारे गाँव में तालाब में बहुत गंदा पानी का सारा नहर का पानी बहुत बढ़िया गंदे पानी का अलग साफ पानी का अलग जो जो गंदे पानी का था जो देश हमला मतलब नंबर से बाहर हो गए इसमें भारत की सारे की सलाह ली मैंने फिर कुछ लोग आपस में बखाए शिकायत है किसी की शिकायत है इस आदमी है जो दो आज तक तक इसका ऐसा गलत नहीं है जो हमारा परिवार है तो सारे किसी के बखाए शिकायत है निकल कर कोर्ट में बढ़ जाता कोर्ट में लोग कोर्ट में दो मौसम कह दी जो सुना है जो भी अपने काम में प्रक्रिया के हिसाब से काम करते हैं हमने ज़्यादा जो होगी करीब का ज़्यादा 280 वोट में अच्छी जगह मारी गिर जाती थी लेकिन बखाए शिकायत सीट को बहुत गंदा पानी दिया गया फिर हमने भी बांध के उसमें नजर दी भाई इसको कब से खुद लगा करके नहीं सुना हमारी बराबर में भी चुनाव लड़ने का नहीं भाई 3728 घंटों का कब्जा था वो भी हमने पक्का छुटवा दिया है कब्जा नहीं रहने के लिए जो प्रण है हम भाई साहब ये पंचायत की जमीन थी जो 55 नंबर है पंचायत के चढ़ गया ड्रोन के है तो ये एक भाई ने थोड़ा कब्जा करा कर छुटवा दिया प्यार से छुड़वा दिया भाई हो हमारा बढ़िया आदमी हो भी प्यार से छोड़ गाँव में प्रशासन पहुँचा है क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसा ये ना काफी दिनों से मुद्दा था कि पंचायती जमीन पर जो अवैध कब्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की भी दायित्व है कि जल्द से जल्द इनको खाली कराया जाए। इन्होंने को हमने नोटिस भी दिए भाई आपका जो ये इन्होंने डाला हुआ इसको हटा लें ये अवैध कब्जा है पार्क का निर्माण होना है ये प्रॉपर्टी ID नंबर 55 है पंचायत की मलकियत में है। इनको हमने बार बार नोटिस दिए लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया तो ये कहते रहे नहीं नहीं हम नहीं उठाते हैं तो हमने फिर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 में अपील डाल ली वहाँ से डिसीजन आया भाई इसको खाली किया जाए उसमें मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया तो हमने इनको फिर एक नोटिस दिया भाई अपना उठा लो किसी का नुकसान ना हो जैसे जो चीज़ें इन्होंने ये कुरड़ी ये एक दो चीज़ें बनाई हुई थी यहाँ पर लेकिन तो भी ये नहीं माने तो फिर हमने ये कार्रवाई करनी पड़ी है ताकि पंचायती ज़मीन को अवैध कब्जे से बचाया जा सके और पार्क का निर्माण करके पूरे ग्रामवासियों को कोई सुविधा दे सके। ऐसा इसमें 2 बंदे हैं ये जो है मेन एक शमशेर है एक नाम और है उनको हमने बुलाया भी है मौके पे अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है आपके पास मलकियत है कोई कोर्ट का स्टे आप दिखा दीजिए इनके पास कोई स्टे कोई प्रॉपर्टी आईडी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे इनकी मलकियत साबित होती हो उसके उपरांत हमने ये कार्रवाई अमल में लाई है।